स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोहना थाना अंतर्गत दौरार में चोरों ने 12 लाख की चोरी की। ग्वालियर जिले के मोहना में थाना में आने वाले दौरार गांव में चोरों ने सुरेश धाकड़ के घर ताले चटका कर 12 लाख रुपए एवं एक मोबाइल को चोरी कर फरार हो गए। घटना कुछ इस तरह है कि रात्रि करीब 2 बजे के करीब चोर घर में घुसे। घर में सो रहे सुरेश धाकड़ पुत्र सीताराम धाकड़ के हाथ में पैर रस्सी से बांध कर कट्टे की नोक पर लूट को अंजाम दिया। फरियादी ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी जयराज कुबेर, एसडी ओपी घाटी गांव, मोहना थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। जांच पड़ताल कर चोरों को ढूंढने में 3 थाने की पुलिस भेजी गई। जब हमारी टीम इंडिया न्यूज़ 28 की टीम ने एसडीओपी प्रवीण अस्थाना से बात की तो बताया कि चोरों ने रात्रि में इस घटना को अंजाम दिया है। चोरों की तलाश जारी, मामला दर्ज कर लिया गया है। चोरों को जल्द ही ट्रेस कर लिया जाएगा। सूरज मरावरिया की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है दादा आपके घर पर? मेरा बच्चा सत्संग इसने गया था। हाँ, मैं सौ डेढ़ से बोली सौ की जाओ की बटाई करी। हाँ, तो मैं बोले कि सत्संग भेज दो। हाँ, भैया अपना हिसाब कर लंग खा दूंगी। तो मैंने 3 मिनट आगे बिना बोली भी ग्वालियर रहते दाल बजा। हाँ, अपने मदन खवास वो कप्तान सब बटिया बाद में कमाल था। हाँ, और मेरी तू मरा चला गया स्पेलर का एक मिस्टर बेटू थी बर्मा। हाँ, मिस्त्री आओ मिस्त्री के सिंह वो भेज दो। मैंने कि बर्मा डाल भाई बच्चे गाड़ी ये अपनी वापस आ नहीं रही। सत सौ की भर के जा रही है। बाबा सीमेंट और बर्मा फर्मा सब सामान लेके और पैसा भी बच्चे दलाल ने दे। दलाल बढ़िया बैठा रहे वो सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं आई। घर पर आए के मैंने पैसा मैं सोचा था भाई ने रख दे। मैंने कि पापा जाइंदा रहे मैं सवेरे जी बटन बाप बहन में बाहर नहीं हिसाब करना है। मैंने इसको मैंने कि तू घर वादा घर ले जा तो झोला। मैंने चलो ठीक है कहता हूँ। और एक अलमारी की बगल में दूसरे कमरा में थी उसमें भी धरे 3,11,500 रुपये मैं जेब में और मोबाइल जेब की काट रहे सब रुपया रुपया ले कर उसके 4-5 लोग थे छापी मौ से टकी उनको चेहरा इसमें गार्डन से जो और तरीका था। हाँ, यहाँ के आगे चमक लाई। ठीक, मैंने क्या कौन है? मैंने की भैया मुझे बच्चे आन दो। हाँ, नहीं नहीं मारा नहीं थे, मारा पीट भी की तुम्हारी। मारा पीट भयंकर की है तुझे को। हाँ, नीचे को सर गया कितने पैसे चले गए होंगे? पैसा चले गए अपने 3,12,60,000। 12,60,000 आगे तुमने रिपोर्ट कराई है क्या? कुछ कह रहे हैं थाने प्रभारी? अब थाने पर जी बात कर रहे हैं हमारी खाना तलाशी पूरी लेंगे। जिम्मेदारी हमारी एस टी साहब आए। हाँ, और घाटी गाँव एस डी एम साहब आए भी आए गए। चारों थाने पांचों थाने की पुलिस भी आए गए। अच्छा, घाटी गाँव की भी आए और ग्वालियर से एस पी साहब भी आए। ठीक, अब ये तो क्या जानकारी के तो अब आदमी पहचान लेते तो मैं उसको बता ही। कोई पहचान नहीं हुई किसी की? किसी पर कोई शक वगैरह? शक वगैरह क्या, मैं किसी की शक? आज 25 साल से कर रहे काम तो मुझे तो शक वैसी नहीं है कि आज तक लो भाई नहीं है। तेरा ही चोरा वो कमरा में मकान। चलो ठीक है, धन्यवाद। सर दौरार में जो चोरी की घटना हुई है क्या कुछ मामला है? आज दौरार में आज रात को 2 बजे करीब एक घटना हुई है जी। संपत्ति संबंधी अपराध हुआ है जी। उसमें कुछ 4-5 बदमाशों ने जो है करीब 12 लाख रुपए की घटना की है जी। और चूंकि वो कल के दिन ही अपनी सरसों की फसल बेचकर पैसे लेके आए थे जी, तो संभवतः जिनको इस संबंध में सूचना थी उनके द्वारा घटना की गई है। सर घटना जिन चोरों के द्वारा की गई है उनको अब तक पकड़ लिया गया है या क्या कुछ जारी है? बिल्कुल पुलिस टीमें लगी हुई हैं जी और क्लू भी मिल रहे हैं और जल्दी 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 से जल्दी इसको ट्रेस कर लिया जाए। सर मामला कैसे क्या दर्ज किया है, किन धाराओं में? मामला उसमें लूट की घटना दर्ज की गई है जी। धन्यवाद।